दूरदर्शन न्यूज। 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए शक्ति कलश पहुंचा माझी प्रखंड में। शक्ति कलश के लिए रथ का प्रखंड के ताजपुर में हुआ भव्य स्वागत। 31 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक होगा जिले के मस्ती चक में महायज्ञ। लोगों को निमंत्रण देता सुंदर रथ। ताजपुर पहुंचे रथ को रामकुमार प्रसाद, संतोष गुप्ता, कंचन कुमार साधु, अरविंद प्रसाद, राम अवतार प्रसाद, दीपक गुप्ता, केशव सिंह, टीकर प्रसाद आदि दर्जनों लोगों ने भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड की देवभूमि से गायत्री तीर्थ शांति को हरिद्वार पे चल करके बिहार की पाल भूमि में सावन में पहुंचा है। आइए, बड़े सौभाग्य की बात है, आइए दर्शन करें, पूजन करें, प्रणाम करें। हम सबका परम सौभाग्य है शक्ति कलश का दर्शन पूजन करके करता है। पड़सा के पास अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के माध्यम से होने जा रहा है, जिसकी शक्ति कलश जिसका आपने पूजन किया। हरिद्वार से शक्ति कलश विशेष जल स्थापित करके और शक्ति स्थापित करके 17 जिलों में घुमाया जा चुका है। यह 18वां जिला अपना छपरा जिला है। विभिन्न प्रखंडों से होते हुए मांझी प्रखंड में ये प्रवेश किया है, जहाँ पर पूजन संपन्न किया गया। इसके बाद ये मटियार ग्राम के लिए प्रस्थान करेगी। आप सभी कार्यकर्ता भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप 30 तारीख को जो भूमि पूजन है उसमें आप जरूर आए, इसी 30 तारीख को। और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए 10,000 कार्यकर्ता भाइयों की जरूरत है। शांति कुंज हरिद्वार से चल करके मस्ती चक धाम, जो कि दरियापुर प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पहुँचे और वहाँ से बिहार के 17 जिलों में भ्रमण करते हुए छपरा जिले में प्रवेश किया और विभिन्न प्रखंडों से होते हुए आज यहाँ पर माझी प्रखंड में प्रवेश किया, जहाँ ताजपुर में इसका भव्य पूजन किया गया। इसके बाद मटियार में इसका स्वागत होगा। 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का एक ही उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो और धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण का एक क्रम बन जाए और संस्कृति संस्कारों से लोग जुड़ जाए, इसके लिए यज्ञ किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम मस्ती चक धाम में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के प्रांगण में संपादित होना है, जो कि 31 अक्टूबर से लेकर के आपका ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। ये शक्ति कलश के भ्रमण के पीछे यही है, जिसके माध्यम से लोगों को यज्ञ का संदेश दिया जा रहा है।